वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। वेलकम बैक उनके लिए भी जो हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं यार, और उनको भी मोस्ट वेलकम जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं। दोस्तों, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि घूमने के लिए आपको कहाँ जाना है, तो फिक्र नॉट, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वीडियो, जहाँ हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस टूरिस्ट स्पॉट के बारे में जिसका नाम है भीलवाड़ा, जो राजस्थान के मेवाड़ में स्थित है। देश की राजधानी नई दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर बसा भीलवाड़ा वो शहर है जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर या फिर वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि राजस्थान का समूचा कपड़ा उद्योग इसी शहर में मौजूद है, जो राजस्थान की 8 करोड़ जनता की आपूर्ति को पूरा करती है। साथ ही भीलवाड़ा में बनने वाला टेक्सटाइल देश के अन्य शहरों और विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन इंडस्ट्रियल सिटी होने के बाद भी ये राजस्थान के सबसे स्वच्छ और ग्रीन सिटीज में से एक है। करीब 11,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला ये शहर भीलवाड़ा, जहां करीब 25 लाख लोग रहते हैं। ये शहर अपनी इंडस्ट्री, साफ सफाई के अलावा इतिहास और संस्कृति के लिए भी बेहद मशहूर है। यही कारण है कि जो आज ये देश के चुनिंदा टूरिस्ट प्लेसेस में गिना जाता है। भीलवाड़ा के इतिहास की बात करें तो ये शहर 1948 में राजस्थान राज्य का हिस्सा बनने से पहले उदयपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, जिसकी बरसों पुरानी और पारंपरिक स्वर्ण चित्रकला आज देश ही नहीं विदेशों में भी धूम मचा रही है, और इसे देखने हर साल यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं। भीलवाड़ा के बारे में कहा जाता है कि अगर राजस्थानी परंपरा और संस्कृति को करीब से जानना है और देखना हो तो भीलवाड़ा से बेहतर कोई जगह नहीं है। 900 साल पुराना वो शहर जिसका नाम यहाँ की जनजाति भील के नाम पर पड़ा। भील वो जनजाति थी जिन्होंने 16वीं शताब्दी में मेवाड़ राजा महाराणा प्रताप की मदद एक युद्ध में की थी, और तभी से ये जगह भीलों की जगह यानी भीलवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। बात करें यहाँ मौजूद टूरिस्ट स्पॉट्स की, तो यहाँ मौजूद सबसे खास जगह मानी जाती है वो है बदनौर फोर्ट। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा में घूमने लायक जगहों में बदनौर के किले का अहम स्थान है। छोटी सी पहाड़ी पर स्थित एक प्राचीन किला जो अपने इतिहास और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। भीलवाड़ा का ये किला 7 मंजिला है, जिसे साल 1584 ईस्वी में बदनापुर नामक एक परमार राजा ने बनवाया था, और तब से लेकर आज तक ज्यों का त्यों खड़ा राजस्थान के स्वर्णिम इतिहास का महिमा मंडन कर रहा है। इसके बाद बारी आती है हरणी महादेव मंदिर की। भीलवाड़ा के दर्शनीय स्थलों में से एक हरणी महादेव मंदिर राजस्थान के दरक परिवार के पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया एक शिव मंदिर है, जो कि शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुरमय पहाड़ियों से घिरा हुआ यह दर्शनीय स्थल पर्यटकों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। यही नहीं, प्रत्येक शिवरात्रि यहाँ लगने वाला 3 दिवसीय मेला भी उतना ही ज्यादा प्रसिद्ध है। भगवान के दर्शन कर लेने के बाद आप जा सकते हैं मीनल वाटरफॉल। भीलवाड़ा में घूमने लायक जगहों में शुमार मीनल वाटरफॉल एक खूबसूरत झरना है, जहां पर्यटक भारी संख्या में आना पसंद करते हैं। ये झरना भीलवाड़ा कोटा के मार्ग पर शहर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस खूबसूरत झरने का पानी 150 मीटर ऊंचाई से गिरता है, जिसके चलते यहाँ एक शानदार दृश्य देखने को मिलता है। इस झरने को देखने के लिए केवल राज्य ही नहीं, देश विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं, और ये अद्भुत नजारा आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, अगर आप जुलाई से अक्टूबर के बीच कभी भी यहाँ आए तो। भीलवाड़ा में घूमने लायक स्थान में यहाँ का शाहपुर शहर भी काफी प्रसिद्ध है। वैसे तो शाहपुर और भीलवाड़ा के बीच करीब 50 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये फिर भी भीलवाड़ा शहर का मुख्य टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ जाने से पर्यटक बिल्कुल भी नहीं चूकते, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ मौजूद पवित्र मंदिर है जो राम द्वार के नाम से मशहूर है। देश भर के तीर्थयात्री इस तीर्थ स्थल पर साल भर आते रहते हैं। यही नहीं, हर साल यहाँ लगने वाला 5 दिवसीय फुल डोल मेला भी बेहद प्रसिद्ध है, जिसे आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ अपार संख्या में होती है। इसके बाद बारी है बिजोलिया की। बिजोलिया शहर भीलवाड़ा में एक जनगणना शहर के रूप में जाना जाता है, जहाँ के श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ अथीशा तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया किला और मंदाकिनी मंदिर के लिए समूचे भारत में मशहूर है। ये किला बूंदी से चित्तौड़गढ़ जाने वाले मार्ग पर स्थित है, जहां मौजूद शिव मंदिर बेहद प्रसिद्ध स्थान है। इसका नाम हजारा सवारा महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में लाल पत्थरों द्वारा हुआ था। वैसे केवल मंदिर और किला ही नहीं, बिजोलिया एक और चीज के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। इसका नाम है आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, बिजोलिया के किसान किसी भी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, फिर चाहे वो राज्य स्तर का हो या फिर अखिल भारतीय स्तर का, बिजोलिया के किसान कभी पीछे नहीं हटते। इसी तरह भीलवाड़ा का त्रिवेणी चौराहा भी उन स्थानों में एक है, जिसकी वजह से आज भीलवाड़ा शहर देश विदेश में इतना प्रसिद्ध है, जिसका कारण यहाँ बहने वाली बडाला, बनास और मीनाली नदियों का संगम, जो त्रिवेणी चौराहा पर आकर मिलती है, और तट के किनारे मौजूद शिव मंदिर जिसे ये संगम समर्पित किया गया है।
दोस्तों इस मंदिर की खास बात यह है कि यह मॉनसून के मौसम में पूरी तरह डूब जाता है। दोस्तों इसके बाद अगली जगह है मंडल। जी हाँ, भिलवाड़ा शहर की 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये वो जगह है जहाँ आप जगन्नाथ कच्छ वहाँ के किलों को देख सकते हैं, जो कि 32 खंभों वाली एक छतरी के रूप में जाना जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ की आकर्षक छतरी है जो बलवा पत्थरों से बने 32 खंभों पर टिकी हुई है, जिसे अपनी आँखों से देख कर आप पक्का हैरान रह जाओगे, और वो इसलिए क्योंकि इसकी खूबसूरती बेजोड़ है। यही नहीं, यहाँ मौजूद चामुंडा माता मंदिर हो या फिर कोठारी नदी स्थित बगौर साहिब गुरुद्वारा, भिलवाड़ा के इन धार्मिक स्थलों पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि बगौर साहिब गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की यात्रा का गवाह बना है। अगर आपको कभी भी यहां जाने का मौका मिले तो गुरुद्वारे का लंगर जरूर चखें और सेवा करें। ऐसा करने से आत्मा को जो सुकून मिलेगा उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। मेजा डैम भिलवाड़ा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण 1958 में हुआ था। ये भिलवाड़ा का सबसे बड़ा डैम तो है ही, साथ ही साथ समूचे भिलवाड़ा की प्यास बुझाने का भी काम ये डैम करता है। दोस्तों ये मेजा डैम इस शहर का एक और अहम टूरिस्ट प्लेस है जहाँ हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, जहाँ मौजूद झरने का मजा लेने के साथ साथ लोग यहाँ बने पार्क का भी आनंद भरपूर लेते हैं। दोस्तों यहाँ आप चाहें तो बे आउट भी कर सकते हैं। अगर आप कभी भी अपने दोस्त या फैमिली के साथ भिलवाड़ा जाएं तो ये मेरी ये स्पेशल सलाह है कि मेजा डैम जाना बिल्कुल भी ना भूले, खासकर वो समय अगर बारिश का हो। यकीन मानिए, बारिश के मौसम में बिताए यहाँ हर पल आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। धार्मिक स्थल और पर्यटन के बाद अब बात करते हैं शहर से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जो भिलवाड़ा को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। केवल इतिहास ही नहीं, शहर का वर्तमान और भविष्य भी उतना ही उज्जवल है। जैसा ये शहर काफी पढ़ा लिखा है, इसकी साक्षरता करीब 63% है। महिला पुरुष अनुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों में यहाँ 975 महिलाएं हैं, जो ये साबित करती हैं कि भिलवाड़ा में बेटा और बेटी में होने वाला भेदभाव देश के अन्य शहरों के मुकाबले काफी कम है। भिलवाड़ा खनिज का भंडार है जहाँ कई प्रकार के खनिज यानी मिनरल्स पाए जाते हैं। खनिजों का ये भंडार राजस्थान में काम तो आता ही है, साथ ही साथ इन्हें भारत के अन्य राज्यों में भी सप्लाई किया जाता है। उच्च शिक्षा के मामले में राजस्थान का ये शहर कोटा के बाद आता है, जहां सरकारी और गैर सरकारी कई बड़े शिक्षण संस्थान मौजूद हैं। साथ ही शहर का अपना टेक्निकल कॉलेज भी है जहां से हर साल सैकड़ों बच्चे इंजीनियर्स बनकर निकलते हैं। गाय जो यहां के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है, इसलिए यहां माधव गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है ताकि लोग गायों से जुड़ी समस्याओं का निदान कर सकें और अपनी आजीविका को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा भी सकें। दोस्तों भिलवाड़ा राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक शहर में से एक है जो राज्य की अर्थव्यवस्था और उसके राजस्व में अहम योगदान देता है। कपड़ों और धातु से बने बर्तनों के अलावा भिलवाड़ा ईंट उद्योग में भी देश भर में प्रसिद्ध है, जहाँ सबसे ज्यादा ईंट का निर्माण होता है। देश की प्रसिद्ध और बड़ी मंडियां भी यहां मौजूद है। वहीं राजस्थान की पहली वनस्पति घी मिल जो साल 1964 में बनी, वो भी भिलवाड़ा में ही स्थित है। भिलवाड़ा वो शहर है जहां मेवाड़ राजा महाराणा सांगा का समाधि स्थल है। दोस्तों भिलवाड़ा का चप्पा चप्पा ऐतिहासिक गाथाओं से भरा है। ये वो प्रसिद्ध नगर है जो सभी भव्यता किलों और महलों के साथ साथ पर्यटन स्थलों से भी परिपूर्ण है। विशाल पत्थरों के नीचे छुपा शिवलिंग देखना हो, या फिर देश के सबसे बड़े मेले चामुंडा माता का मंदिर हो, या फिर चावंडिया तालाब, दरगाह हजरत गुली अली बाबा, गांधी सागर तालाब, मिलल डैम, पुड़ उड़न छतरी, ये सभी अभूतपूर्व दर्शनीय स्थल आपको एक साथ केवल एक शहर में देखने को मिल जाएंगे अगर आप भिलवाड़ा की सैर पर जाएंगे। वैसे आप सोच रहे होंगे कि भिलवाड़ा कितनी आदर्श शहर है जहां किसी भी प्रकार की कोई बुराई शायद ढूंढने पर भी ना मिले, तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस शहर में भी ऐसे बहुत से अराजक तत्व मौजूद हैं जो यहां के माहौल को खराब करने में लगे रहते हैं। हालांकि उन्हें प्रशासन कैसे न कैसे करके संभाल लेता है, लेकिन एक चीज जो खुद उनकी पकड़ से भी बाहर है वो है वैश्यावृत्ति। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का भिलवाड़ा शहर जितना प्रसिद्ध है ना, वैश्यावृत्ति के लिए उतना ही बदनाम भी है। शहर के भीतर मौजूद वो रेड लाइट एरिया है जहाँ शाम ढलते ही चंद पैसों में अस्मिता नीलाम होती है और वैश्यावृत्ति का कारोबार चरम सीमा पर पहुंच जाता है। दोस्तों भिलवाड़ा के बारे में बताते हुए ये बताना ही मैं भूल गया कि आखिर भिलवाड़ा कैसे जाए, तो आपको बता दूं कि राजस्थान का ये शहर रेल मार्ग हो या फिर हवाई मार्ग, हर तरह से कनेक्टेड है। भिलवाड़ा से निकटतम एयरपोर्ट उदयपुर में स्थित है जो भिलवाड़ा से 165 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एयरपोर्ट दिल्ली मुंबई जैसे सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, जबकि उदयपुर से भिलवाड़ा ट्रेन या फिर टैक्सी के माध्यम से बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। बात करें अगर ट्रेन की, तो भिलवाड़ा रेलवे स्टेशन भी देश के सभी प्रमुख स्टेशनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप भिलवाड़ा बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में
हमने द लैंड ऑफ टेक्सटाइल भिलवाड़ा के सभी मुख्य टूरिस्ट प्लेस को कवर करने और उनके बारे में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। आपको इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।